हादसा हुआ बॉर्डर पर, कहाँ पर हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली? अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो मॉडल स्कूल देतानी है उसकी बच्चियां और स्टाफ रानीवाड़ा में कोई खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे और वापस लौट रहे थे, तो ये सैलाव के पास में जैसा बताया गया है डंपर के साथ में हादसा हुआ और उसमें से कुछ बच्चियों को CHC गागरिया ले जाया गया। तो जैसा कि अभी जानकारी मिली है तो वहाँ से सभी बच्चियों को और जो भी स्टाफ था CHC गागरिया में, टोटल 9 लोग गए थे, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और उनकी हालत अब ठीक है। कुछ बच्चियों को चौटन CHC ले जाया गया था और वहाँ पे जैसा कि अभी जानकारी मिली है प्रारंभिक जानकारी, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे इब्राहिम जी, उनकी मौके पे मृत्यु का समाचार मिल रहा है और वहाँ से भी फिर उनको रेफ़र करके यहाँ पे बाड़मेर भेजा गया। यहाँ पे स्थिति के हिसाब से अभी एक बच्चे की डेथ की जानकारी आ रही है जिसका नाम समीना है और 3 बच्चियाँ जिनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है उनको जोधपुर रेफ़र किया गया है। जोधपुर जिला प्रशासन से और MDM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई है और इंश्योर कर रहे हैं हम कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल यहाँ पे अभी 10 बच्चियाँ और स्टाफ टोटल मिला के अभी यहाँ मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी जाँचें वगैरह चल रही है, CT वगैरह हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा और इन्हें जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर ये भी चीज़ जानकारी आ रही है यहाँ पे CT स्कैन वगैरह ख़राब है, एक्सरे वगैरह ख़राब है, बाहर ले जाके करवाना पड़ेगा? तो PMO साहब बता सकते हैं मेरे हिसाब से अभी जो भी स्थिति है, अभी हमारा मुख्य मकसद ये है कि जितने भी बच्चे एडमिट हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले, चाहे यहाँ पे चाहे उनको अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। इसके अलावा कोई अगर इस प्रकार की समस्या है तो उसका बाद में बैठ के और एनालिसिस करेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी जो सबकी प्राथमिकता है वो सभी घायलों को तुरंत इलाज मिले, अच्छे से इलाज मिले। ये सर प्रथम दृष्टि हादसे की वजह क्या सामने आई? ये अभी देखिए कहना बहुत जल्दबाजी है क्योंकि थोड़ा सा रात का समय था, अभी पुलिस की तरफ से एडिशनल SP साहब SDM साहब मौके पर गए हैं तो वहाँ से कोई कंफर्म जानकारी आ पाएगी, उसके बाद में ही पता पड़ पाएगा कि किस कारण से हादसा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी में जो स्कूल की बस थी उसके कोई डंपर से भिड़ंत हुई है, उसकी वजह से हादसा हुआ।